आप लोग बोलते हैं सर आप लव लाइफ के बारे में इतनी प्रैक्टिकली बातें कैसे कर लेते हैं, साथ ही आप ज्योतिष के अनुसार बिल्कुल सटीक जानकारी कैसे दे देते हैं। तो हम आपको इसका बहुत बड़ा अनुभव बता रहे हैं। हमने भी किसी से प्यार किया है, हमारा भी दिल टूटा है, हम भी रोए हैं किसी के लिए। मुझे पता है इसमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, शायद आप भी इस दर्द से गुजर रहे होंगे, तभी आप हमारी वीडियो देख रहे हो। तो हम आपको यहाँ पर लव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर ये जो हम बता रहे हैं ऐसा आपका पार्टनर आपके साथ कर रहा है तो आप मान लीजिए कि वो आपको सच्चा प्यार करता है। और अगर आपके पार्टनर की कुंडली में या आपकी कुंडली में जो हम ग्रह बता रहे हैं वो ग्रहों की वजह से दिक्कत नहीं होगी, आपके पंचम भाव से इनका संबंध नहीं पड़ रहा है, तो आपका लव सफल हो जाएगा, कि मैं आपको 100% गारंटी से बोल सकता हूँ। देखो, आप किसी से जुड़ जाते हैं ना और वो व्यक्ति फिर बदल जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। आजकल बड़ी स्थिति खराब चल रही है, लोग स्टार्टिंग में जो मतलब फेक लव होता है ना, इसे कहा जाए, वो लोग उसमें लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, मतलब उसमें बहुत जल्दी आतुरता आ जाती है उस लव में, हमें ये करना है, हमें वो करना है। अगर व्यक्ति की फिजिकल नीड होगी या आपके शरीर के प्रति अट्रैक्शन होगा इंसान का, तो वो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा एक दो दिन में केयर करने लग जाएगा, एक दो महीने में उतना प्रेम कर लेगा जितना कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, इतनी आपकी केयर करेगा, और वो आपको बहुत जल्दी वो एग्री कर लेगा फिजिकल होने के लिए। तो मान लेना वो फेक लव है आपके लिए, ठीक है। अगर कोई स्टार्टिंग ही में आपको सीधे बड़े बड़े वादे करना या फिर बहुत समय देना, तो समझ लो वो आपके साथ फ्रॉडगिरी करेगा 100%, ठीक है। सेकंड नंबर, अगर आपकी कुंडली में आपके पंचम भाव में जैसे कि मान लो राहु बैठे हैं या शनिदेव बैठे हैं या राहु की दृष्टि पड़ रही है, तब आप अपने पार्टनर पर बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, क्योंकि वो आपको धोखा देने वाला मिलेगा, ये आपकी कुंडली में लिखा है। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव और बुद्धदेव साथ में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है आप जो है ना वो ईमानदार व्यक्ति हो, आप इमोशनल इंसान हो, लेकिन आपको जो व्यक्ति मिलेगा वो चीट करने वाला मिलेगा, वो आपको धोखा देने वाला व्यक्ति मिलेगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि हम डेली 50 कुंडलियाँ देखते हैं। तो ये बहुत अच्छा अनुभव हो गया है, हम आपको प्रैक्टिकली बात करते हैं। आपको पता, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारे किसी क्लाइंट ने मुझे बताया, सर हम किसी की वीडियो देख रहे थे किसी तांत्रिक की, उसके कमेंट जब हमने चेक किए तो उसमें लिखा था मतलब कि ये सब फेक होते हैं, लेकिन एक किसी लेडीज ने या लड़की ने उस पर कमेंट किया था, जो भी नाम हो, कि अगर आपको सही जानना हो, सत्यता सुनना हो, तो एस्ट्रो अभि चतुर्वेदी जी से संपर्क करो, वो आपको रियलिटी बताएंगे। बताओ इससे अच्छा क्या हो सकता है। हमने आप लोगों को कभी मिसगाइड नहीं किया है, रियलिटी बताई है, आज भी रियलिटी बताएंगे। और अगर आप अपने पार्टनर के बारे में, अपने बारे में या फिर अपने कैरियर के बारे में, आपका विवाह लव होगा या अरेंज होगा, किस दिशा में होगा, कैसे पर्सन से होगा, शादी के बाद दिक्कत तो नहीं होगी, ऐसे अगर आपके कोई भी सवाल है कुंडली से संबंधित, आप रीडिंग करवा लीजिए, आपको 100% सटीक जानकारी मिलेगी। हम और लोगों की तरह आपको मिसगाइड नहीं करेंगे। अगर जो चीज़ नहीं होगी आपकी कुंडली में, मना कर दिया जाएगा, अगर होगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ये तो हो गई कुंडली की बात, अब हम नॉर्मल बातें करते हैं। अगर देखो, प्यार क्या चीज़ है, प्यार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मतलब रूठना मनाना, वही एक प्रेम होता है। जैसे कि मान लो अगर आपके प्रेम में लड़ाई नहीं हो रही है, एक नमकीन की तरह होता है, जैसे खट्टी मीठी नमकीन है ना, वो अच्छी लगती है, अगर आप मीठी मीठी नमकीन खाते रहोगे ना तो अच्छी नहीं लगेगी आपको, है ना, या खट्टी खाती रहोगे, दोनों अगर खट्टी मीठी नमकीन रहें तो बहुत अच्छी लगती हैं। उसी प्रकार लव होता है, अगर आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं एक दूसरे को, ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं, मतलब रूठना मनाना अगर ये चल रहा है तो ये बहुत अच्छा है। मान लो आपका ट्रू लव है, आपका वो पार्टनर कभी चीट नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंड नंबर, जो आपको ट्रू लव करता होगा, उससे आप अपनी शादी की चर्चा करेंगे कि हम शादी करेंगे या फिर हम घूमने जाएंगे, उस समय वो नर्वस ना हो और वह व्यक्ति आपको टोके ना,
ये ना कहे कि यार हमारी कास्ट अलग है या फिर हमारी शादी नहीं हो पाएगी, हमारी फैमिली अरेंज मैरिज करवाई, उन लोगों ने लड़की देख रखी, या फिर हम उन लोगों को धोखा नहीं दे सकते, तो आप मान लेना कि वो आपको धोखा देगा एकदम वो इंसान। और जो इंसान सही होगा वो आपकी, आप अगर फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें वो आपका सपोर्ट करेगा, अपने माँ बाप से आपकी बात करवाएगा, अपनी फैमिली से वो आपको मिलवाएगा, तो मान लेना वो आपको ट्रू लव करता है। ठीक है, आपकी जैसे कि मान लो फ्यूचर में आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, वो आपको उसके लिए रोके नहीं। जैसे आप पुलिस बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप अभिनेत्री बनना चाहते हैं, तो वो उसमें आपका सपोर्ट करे और उसे इतना आपके ऊपर विश्वास हो कि आप उसे चीट नहीं करोगे, आप धोखा नहीं दोगे, तो आप मान लेना वो ट्रू लव है और वो आपका सपोर्ट करे। ठीक है, अब हम जैसे कि मान लो प्यार में, हमारे अगर शास्त्रों में कहा जाए तो कहा जाता है अपने प्रेमी की खुशी में व्यक्ति खुश रहे वही प्रेम होता है। जैसे कि मान लो गोपियाँ और कृष्ण भगवान का प्रेम, आप उसके साथ हमेशा अपने आप को सेफ महसूस करें तो मान लेना वो आपका ट्रू लव है। अगर कोई आपके लिए रात भर जाग रहा है स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं 1 साल हो गया 2 साल हो गया, तो मान लेना वो ट्रू लव है आपके लिए, कि वो 1-2 साल बाद भी आपका प्यार कम नहीं हुआ उसका आपके प्रति, तो वो भी सच्चा प्यार करता है। ये तो हो गया नॉर्मल सी बात है। एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना, प्रेम में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है, ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट एक रस्सी जैसे होती है ना, रस्सी अगर टूट जाती तो उसमें गांठ पड़ जाती, उसी प्रकार प्रेम होता है, ट्रस्ट होता है, मतलब कि अगर ट्रस्ट टूट गया तो फिर दोबारा से जो रस्सी में जैसे कि गांठ पड़ जाती, उसी प्रकार लव में दिक्कत आई, ट्रस्ट टूटता है ना तो बार बार वही सब चीज़ें याद आने लग जाती, इस चीज़ के चलते रिश्तों में ना प्रॉब्लम हो जाती है, ये हो जाता है। थर्ड नंबर, जो व्यक्ति आपको आपके पास्ट के बारे में ज़्यादा पूछे नहीं या ज़्यादा बार बार आपको उस वजह से डिस्टर्ब ना करे, तो मान लेना वो आपको ट्रू लव करता है। ये तो नॉर्मल सी बातें होंगी। अब आप अपनी कुंडली में भी चेक कर सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव आपका पीड़ित नहीं है, आपका पंचमेश पीड़ित नहीं है, तो आपको ट्रू लव मिलेगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको किसी ने चीट किया है या कोई आपको छोड़ के गया है तो वो कब तक वापसी कर लेगा, उसके लिए अगर आप जानकारी चाहें तब आप हमसे पर्सनल संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।